अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप खैरियत से मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एज़ यूजुअल। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम अपनी इफ्तारी बनाते हैं, बाकी की अपडेट्स जो है ना आपको व्लॉग के दरमियान में मिलेंगी। ठीक हो गया जी? तो आपने व्लॉग को स्किप नहीं करना, पूरा व्लॉग देखिएगा। और यहाँ पर जी आज मैंने आपको कुकिंग करते हुए नहीं दिखाया, जस्ट मैं आज आपको डिज़र्ट बनाना ही सिखाऊंगी। और डिज़र्ट आज मैं बना रही हूँ जी कस्टर्ड जेली, वो भी अपनी सिस्टर की फरमाइश पे। मेरी सिस्टर का ना आज बहुत दिल कर रहा था कि कस्टर्ड खाना है तो इसलिए जो है ना मैंने भाई से कहा कि मुझे ना ला के दो कस्टर्ड। मेरे पास था वो कस्टर्ड, लेकिन वो ना थोड़ा सा ख़राब था, तो इसलिए फिर मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया। फिर मैंने न्यू मंगवाया और दोबारा से जो है ना वो मैंने फिर आज कस्टर्ड बनाया, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। लाइट से इसमें मैंने चीनी डाली थी, ज़्यादा मैंने चीनी इसमें नहीं ऐड की थी। इधर जी मैंने साथ में पकौड़ों का बैटर भी रेडी कर लिया था, और इधर देखें जी हमने कस्टर्ड भी बना लिया। कितनी जल्दी हमारा कस्टर्ड बन गया है, रियल में ऐसा बनता है जल्दी? काश के जितना जल्दी वीडियो में जो है ना वो चीज़ें बनती हैं, इतनी जल्दी जो है ना वो वैसे भी बने। और इधर आज मैंने फिर से जो है ना वो बनाए हैं जी वाइट चने और साथ में चिकन, बहुत ही मज़े का। बिल्कुल ना मैंने मसाला टाइप बनाया था, मैंने ज़्यादा जो है ना इसकी जो है ना वो सालन टाइप मैंने नहीं बनाया। और इधर देखें जी मेरे मोस्ट फेवरेट फ्रूट केक, ये मैं ऐड करूँगी जी कस्टर्ड में, और बहुत ही मज़े का हो जाता है जब आप उसमें इस तरह से फ्रूट केक वगैरह जो है ना वो ऐड करते हैं। आपके पास भी हो तो आप ऐड कर लें, नहीं है तो आप कोई बात नहीं स्किप कर दें, खाली कस्टर्ड ही बना लें। और बस आपने जी मुँह ही मीठा करना है ना, तो इसलिए जो है ना वो डिज़र्ट जैसा भी हो तो खा लेना चाहिए, बस मीठा होना चाहिए। तो यहाँ पर जी हमने अब इसको जो है ना इसको इसकी सेटिंग करनी है कस्टर्ड की। और यहाँ पर एक लेयर जो है ना वो हमने लगाई है जी कस्टर्ड की, देन हमने जी इस पर डाला है जी फ्रूट केक। और मेरी सिस्टर कह रही थी कि ऐसे नहीं अच्छा लग रहा कि तुमने छोटे छोटे पीसेस किए हैं, तो इस तरह से जो है ना इसको बिल्कुल चूरा चूरा करो और फिर इसके अंदर ऐड करो, ठीक है? तो ये इस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखें जी कितनी प्यारी, वाकई में ना बहुत ज़्यादा ना प्रेजेंटेबल लग रहा था। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मेरी सिस्टर को बहुत अच्छी आती हैं, वो काफ़ी अच्छा जो है ना वो चीज़ों को प्रेजेंट कर लेती है, तो सीख लेती हूँ मैं भी। तो लेकिन कुकिंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ, इस तरह की जो है ना वो डेकोरेशन करने वाले काम जो है ना वो मेरी सिस्टर करती है, उसे बहुत पसंद है ना इस तरह से काम करना। तो इधर जो है ना वो मैंने जेली बना ली थी, और जेली जो है ना वो बनाना जेली ही मैंने चूज़ की थी, और इसलिए क्योंकि कस्टर्ड भी जो था ना वो बनाना फ्लेवर में था, तो फिर जेली भी जो है वो कस्टर्ड जो है ना कस्टर्ड के फ्लेवर की ही थी, यानी कि बनाना फ्लेवर में थी, तो इस वजह से जो है ना वो फिर मैंने आज बनाई है जी बनाना जेली। नहीं तो मैं एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि ना मैं ना बनाती हूँ स्ट्रॉबेरी जेली, मुझे बहुत पसंद है तो मैं वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास जो है ना था बनाना कस्टर्ड, तो इसलिए बनाना जेली ही बनाई। तो उसे मैंने ठंडा कर लिया और फिर मैंने जी इस तरह से क्यूब्स में काटा, बल्कि मेरी सिस्टर ने काटा और उसी ने ही ये सारी सेटिंग की है। तो बताइएगा कि कैसा लग रहा है जी कस्टर्ड, खाने में तो बहुत डिलीशियस था, बिल्कुल लाइट सा इसका मीठा था, बहुत मज़े का बना था। और रोज़ा था ना तो इसलिए मैंने कहा चलें जी लाइट सा ही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ऐड हो जाए ना तो फिर मेरे घर वाले जो है ना वो बस गुस्सा करते हैं मुझ पर कि इतना तुमने ज़्यादा डाल दिया मीठा तो इसलिए जो है ना मैंने आज थोड़ा कम ऐड किया, ठीक है? तो बहुत ही ना मज़े की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और बनाइएगा लाजमी। और ये हो गए जी इफ्तार की हमारी रूटीन, और साथ में जी मैं जामेश्वरी ना बनाऊँ ये तो हो नहीं सकता। तो इधर जी मैंने जामेश्वरी भी साथ ही रेडी कर लिया, देख लें जी आपकी आप ही जो है ना वो कितने काम एक साथ कर लेती हैं। तो ये बस अल्लाह ताला की जो है ना वो एक करम नवाजी है कि रमज़ान में ना इतना थोड़ा टाइम होता है लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी काम सारे हो जाते हैं। तो इधर आपने टाइटल में देखा होगा कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया है कि हमारे घर शादी का कार्ड आया थी, कहाँ से आया है ये भी मैं आपको बताती हूँ, फुल डिटेल देती हूँ। और पहले आप देख लें जी शादी का कार्ड कितना खूबसूरत है ना। अच्छा जी, जब भी ना कार्ड आता है ना हम उसे बड़े गौर से देखते हैं, क्योंकि कार्ड जो है ना वो हमारी नज़र में जो है ना वो प्यारा सा होना चाहिए, खूबसूरत सा होना चाहिए, ये भी एक यादगिरी होती है। तो यहाँ पर जी मैंने कार्ड को जो है ना वो इनबॉक्स किया है, और बहुत प्यारा कार्ड था, प्रिंटेड था, और बहुत ही ना अच्छा लग रहा था मुझे कार्ड। आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये है जी रमज़ान के फ़ौरन बाद जो है ना वो शादी है, जो कि मेरे पापा के कज़न की बेटी की शादी है, तो हम लोग फिर जाएंगे, तो फिर मैं आपके साथ शादी के व्लॉग्स भी शेयर करूंगी। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आफ्टर रमज़ान जो है ना वो बहुत ज़्यादा शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो शादी की वाइब्स जो है ना हमें आने लग गई हैं। तो इधर जी साथ में आपके साथ मैं मिठाई भी शेयर करूँगी,
और मिठाई जो है ना ये हैं जी लड्डू, और ये सुलेमान स्वीट्स के ना स्पेशल लड्डू हैं, जिसमें से जो है ना वो काफ़ी सारे जो है ना वो मेरे घर वाले जो है ना वो खा चुके हैं। यहाँ पर दो लड्डू और भी थे, तो जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत लड्डू हैं। देखें जी कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। इनफैक्ट मेरी पुप्पो के का जो है ना वो पोता हुआ है, तो ये उस खुशी में जो है ना लड्डू हैं जो कि बहुत ही मज़े के हैं। अच्छा मुझे लड्डू खाना नहीं पसंद है इसलिए मैंने नहीं खाए, बाकी सबने खाए हैं। मुझे जो है ना सुलेमान स्वीट्स की जो है ना मिठाई बहुत अच्छी लगती है, उनकी जो है ना वो मिठाई उनका नाश्ता बहुत बेस्ट होता है। तो जो है ना लड्डू मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं खाए, बाकी सबने खाए, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े के थे। तो यहाँ पर जी साथ में हमने आज इफ्तार में बनाए थे जी पालक के पकौड़े, और पालक के पकौड़े जो है ना वो इस तरह से भी बनते हैं पालक के ऊपर कोटिंग करके, तो ये मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है तो वो जो है ना वो अपने लिए बनाती है। तो यहाँ पर जी मैंने एक छोटा सा क्लिप ये भी ले लिया, और यहाँ पर जी आज देख लें मैं आराम आराम से बोल रही हूँ, अब मैं ना ज़्यादा फास्ट नहीं बोलूँगी। मुझे ये चीज़ कंप्लेन में आई है कि ना आप बहुत फास्ट बोलती हैं। पता क्या है मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं ना वीडियो में जो मैंने चीज़ बतानी होती है ना कहीं वो पीछे ना रह जाए, और मैं वीडियो जो है आगे आगे चलती रहे और मैं जो है ना वो पीछे वाली बात को बयान कर रही हूँ, तो इसलिए जो है ना मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ ताकि मेरा सारा मैसेज कन्वे हो सके और जो बात मैं करना चाह रही हूँ ना वो मैं कर लूँ ईजीली। तो इधर जी अब हम खाने लगे हैं जी कोर। हमारा मीठे से जो है ना वो बिल्कुल भी हमारा दिल नहीं भरता, मीठा हो बस और बहुत मज़े का लगता है, इसीलिए जो है ना वो वेट गेन भी हो जाता है। और रमज़ान में जो है ना इतने पकोड़े खाए हैं, इतने समोसे खाए हैं, इतने रोल्स खाए हैं, फिर पालक के पकोड़े, फिर पालक की कोटिंग करके पकोड़े, बहुत ज़्यादा जो है ना वो आलू के पकोड़े इस तरह से खाए हैं। तो यहाँ पर जी अभी फिर से मीठा खा रहे थे, और फिर जनाब यहाँ पर स्पैरोस बहुत बोल रही थी, इतना बोल रही थी ना तो इनका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मेरी स्पैरोस हैं, आपने इनको देख के माशाल्लाह बोलना है, और शुक्र अल्लाह का इनकी आबादी में भी इजाफा हो रहा है। मैं सामने दुआ करनी है कि मज़ीद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी सारे के सारे जो है ना अपने अपने घोंसलों में बैठी हुई हैं बड़े ही मज़े के साथ, और बहुत प्यारी लग रही हैं। और आपको कैसी लगी है आपने मुझे ज़रूर बताना है। काफ़ी माशाल्लाह ना प्यारी हमारी स्पैरोज़ हैं, कॉकटेल्स भी हैं और साथ में जी लव बर्ड्स भी हैं, सारे मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये हमने इनके लिए जी फीडर्स ऑर्डर किए थे दराज से, और इनको जी इनमें खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, इसलिए मेरी सिस्टर ने ये उतार दिए। ये सारी ड्यूटी जो है ना मेरी सिस्टर की है, वो इनकी जो है ना लुक आफ्टर करती है, और इनके सारे टेक केयर करने का काम जो है ना वो मेरी सिस्टर का है, वो वही सारा इनको संभालती है। तो यहाँ पर जी कॉकटेल्स भी हैं, और ये देखें जी एक स्पैरो हमने जो है ना वो सेपरेट रखी हुई, क्योंकि इसको मार पड़ती है, ये बहुत छोटी सी है इसलिए इसे हमने सेपरेट रखा हुआ है। तो फिर मैं नीचे आ गई, और यहाँ पर मैंने बनाया है जी स्ट्रॉबेरी शेक। आप लोगों को पता है जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मुझे ना स्ट्रॉबेरी शेक बहुत पसंद है, तो मैं अब जब अपने लिए बनाती हूँ तो मैं अपने भाई के लिए भी बना लेती हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए भी बनाती हूँ, अपनी सिस्टर के लिए भी बनाती हूँ, छोटी सी हमारी फैमिली है तो इसलिए जो है ना हम लोग बहुत ना इस तरह खाते पीते रहते हैं, बहुत ना मज़ा आता है। तो फिर जी कस्टर्ड मैंने रख दिया था फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए, और आपको पता है मुझे डिज़र्ट जो है ना वो ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं, मुझे गर्म जो है ना वो डिज़र्ट नहीं खाया जाता, मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए जो है ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, और अब काफ़ी ठंडा हो गया था और जो है ना खाने का मज़ा ही आ गया। बहुत लाइट सी इसकी जो है ना माइल्ड सी चीनी मैंने आज ऐड की थी, कभी इतनी कम चीनी नहीं ऐड की मैंने, पता नहीं कैसे हो गई। तो जो है ना मैंने आज मीठा कम ऐड किया और बहुत मज़े का बन गया था ना। तो इस तरह जी आज मेरी सिस्टर की पसंद की जो है ना इफ्तारी बनी है, और सिस्टर को जो है ना वो कस्टर्ड बहुत पसंद है, बस आज वो जो है ना वो जब गई थी अपने कॉलेज तो उसे आज बहुत ज़्यादा रोज़ा भी लग गया, और वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा जो घर में बैठे होते हैं ना उनको इतनी गर्मी नहीं लगती, जो बाहर जाते हैं ना उनको बहुत लगती है, क्योंकि धूप आपको पता है कितनी तेज़ होती है, और अब एकदम से गर्मी हो गई है, पहले एकदम से सर्दी हो गई थी, अब एकदम से जो है ना वो गर्मी हो गई है। तो इधर जो है ना वो फिर सिस्टर बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज उसका कॉलेज भी था और फिर उसने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी काम किया, सो डैड्स पर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई। इधर मेरी सिस्टर ने बनाई है जी चाय, जो कि बहुत मज़े की है, इलायची वाली चाय, और इलायची वाली चाय की तो क्या ही बात है। इधर जी साथ में हम थोड़ी सी बातें करते हैं और अपनी जो है ना वो डेली रूटीन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि मैंने घर में क्या किया और मेरी सिस्टर ने कॉलेज में क्या किया, बस ये इसी तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और भाई मेरा जो मगन है जी व्लॉग्स देखने में, और उसको जो है ना वो बस RHS के व्लॉग्स बहुत
बहुत पसंद है, तो वो उनको शौक से देख रहा है। और फिर उसके बाद जो खाना पीना सब कुछ करने के बाद मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरा कुरान पाक जो है ना वाइंड अप होने वाला है, और मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान भी जो है ना बस कम्प्लीट होने ही वाला है, तो सबको रखिएगा अपनी दुआओं में बहुत याद, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं कल एक और न्यू व्लॉग के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेरों ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, स्टे कनेक्टेड विद मी, कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स।